गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। इस जो पूर्व लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एक ब्रीफ आइडिया लिया था, या एक तरह से कह सकते हो आपके वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने हमारे सिलेबस को, एग्जामिनेशन स्कीम को समझने का प्रयास किया था। और एक छोटा सा टॉपिक हम जो सबसे पहली बुक स्टार्ट कर रहे थे वो की थी हमने मैकेनिक्स, और उसमें एक बहुत इसेंशियल और इनिशियल टॉपिक लिया था, वो था हमारा निर्देश तंत्र। उसकी मैंने एक परिभाषा लिखी बिल्कुल बेसिक, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम इस निर्देश तंत्र को थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि वहां पर मैंने आपको बता दिया था कि निर्देश तंत्र बेसिकली है क्या, आपके देखने का नजरिया है कि किसी भी इवेंट या किसी भी घटना को आप कहां से देख रहे हो। और देखने का मतलब ही क्या है, मेजरमेंट। आप कहां से मेजरमेंट कर रहे हो वही आपका जो स्थान होगा, निर्दिष्ट स्थान होगा, वो आपका निर्देश तंत्र कहलाएगा। तो जैसे हम लोगों ने ये देखा, मान लो सपोज करो कोई एम द्रव्यमान का कण है, किसी बिंदु पी पर है, और हम इस कण को यहां से देख रहे हैं, ये आपका क्या होगा, कोई निर्देश तंत्र होगा इस प्रकार से। ठीक है ना, ये मूल बिंदु है। तो यहां से देखोगे तो इसके मूल बिंदु से इस कण की जो दूरी है, वेक्टर डिस्टेंस, वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, यहां से यहां तक, उसको हम क्या कहते हैं, आर, या इसको आप कह सकते हो स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और किसी समय टी पर ही होगा, मेजरमेंट आप किसी न किसी समय पर करोगे। तो ये जो पी आर टी, ये क्या है, इस बिंदु के निर्देशांक है। तो वो निर्देशांक आप क्या दिखा रहे हैं, आर दिखाते हैं और टी दिखा रहे हैं। और इस आर का मतलब क्या है, इस R को हम कैसे लिख सकते हैं वेक्टर में, आप जानते हो ये जो R होता है वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, आपके यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे मान लो आप एक्स अक्ष के अनुदिश चले तो एकांक जो डिस्टेंस होगी, यूनिट डिस्टेंस होगी, उसको हम आई कैप कहते हैं। जैसे आपको सपोज कीजिए ये एक्स है आपका, आप मान लो एकांक डिस्टेंस एक मीटर को आपने आई कैप कह दिया, तो उसको आप क्या लिखोगे, आई कैप या वन आई कैप, एक ही बात है। अब मान लो 1.5 चले तो 1.5 का मतलब क्या हो जाएगा, 1.5 इनटू आई कैप। ठीक है ना, तो आई कैप क्या दर्शाता है, आई कैप हम एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो जिस एकांक सदिश का मतलब क्या हो जाएगा कि जिस किसी भी दिशा में आपका जो यूनिट डिस्टेंस होती है वो उस दिशा के अनुदिश आपके एकांक सदिश को दर्शाती है। तो आई कैप क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है, जे कैप वाई अक्ष के अनुदिश, और के कैप जेड अक्ष के अनुदिश। और आप जितनी भी डिस्टेंस चल रहे हो उसको उस एकांक सदिश से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपको क्या दिखा देगा, उस पर्टिकुलर एक्सिस पर उस कण की स्थिति को दिखा देगा। हम यहाँ पर त्रिविम में बात कर रहे हैं, थ्री डायमेंशनल में बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि मान लो कोई कण एक्स अक्ष पर, ठीक है ना, कोई कण मान लो एक्स अक्ष पर, ठीक है ना, 2-0 पोजीशन पर है, ठीक है ना, सॉरी टू, थ्री डायमेंशन बात करो तो 2-0-0 हो जाएगा, तो 2-0-0, इसका मतलब क्या है, कण केवल एक्स अक्ष पर स्थित है। तो उसके लिए जो आप आर लिखोगे वो आर क्या हो जाएगा, केवल 2i कैप। ये बिल्कुल बेसिक चीज है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये आपको आती है, लेकिन हल्का सा मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। ठीक है ना, इतनी चीज़ें आपको आनी जरूरी है, लेकिन चूंकि ये लेक्चर्स बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बेसिक आइडिया भी मैं आपको देते हुए चलूंगा। ठीक है ना, बेसिक से चलेंगे और फिर एडवांस की तरफ पढ़ेंगे। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सभी स्टूडेंट्स, हर प्रकार के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए ही लेक्चर डिलीवर किया जाएगा, किसी भी चीज़ को एकदम से स्किप नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस को आप कैसे लिखते हो, थ्री डायमेंशनल में इस प्रकार से लिखते हो। अगर इस वेक्टर का अगर आपको मापांक लेना हो, मॉडुलस लेना हो, तो आप कैसे लिखोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ थी। मेन चीज़ क्या है कि कोई भी जो घटना घट रही है उसको आप कहाँ से मेजर करोगे, वही आपका क्या है, निर्देश तंत्र है। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, आपका निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश। और मैंने आपको इससे पूर्व के लेक्चर में बता दिया, अगर आपको आर पता है तो आप उस कण की संपूर्ण व्याख्या आराम से कर सकते हो यूजिंग द सिंपल मैकेनिक्स रूल। लाइक उस कण का आप एक बार अवकलन कीजिए तो वेग मिल जाएगा, दो बार करोगे तो त्वरण मिल जाएगा, द्रव्यमान से गुणा करोगे तो बल मिल जाएगा, और वेग को द्रव्यमान से गुणा करोगे तो संवेग मिल जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि जो आपका निर्देश तंत्र है वो दो प्रकार के होते हैं, मोटे मोटे तौर पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, और वेरी इंपॉर्टेंट है उन दोनों ही प्रकारों को हम समझते हैं वो क्या है। तो जो निर्देश तंत्र है आपके दो प्रकार के, उनमें से पहला है आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, जिसको आप कह सकते हो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
ए मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इसको आप कह सकते हो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा आपका होगा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, या हो जाएगा नॉन इनर्शियल FOR। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, FOR का मतलब है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। तो अब ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन को हम समझने का प्रयास करते हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं जड़त्व निर्देश तंत्र क्या होता है। तो यदि मान लो कोई कण है आपका, ठीक है ना, जैसे कोई भी कण है, उस कण पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, मैंने कंडीशन क्या लिखी है, एक एक चीज को ध्यान रखिए, कण पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, ये कंडीशन है, ठीक है ना। बाह्य बल लगना नहीं चाहिए, यानी देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्स ऑन ए पार्टिकल, अर्थात जो कण है, ठीक है ना, उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, और उस स्थिति में भी अगर कण की गति आपको कैसी दिखाई दे, त्वरण रहित दिखाई दे, त्वरण रहित, यानी आपका कोई निर्देश तंत्र होगा, ठीक है। अब ये जड़त्व है या अजड़त्व है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है। वो क्या है कि पहले तो कोई भी मान लो जो कण है, जैसे मान लो ये कोई कण है, इस कण पर क्या है, बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, और उसके बावजूद अगर कण की गति कैसी दिखाई दे, त्वरण रहित दिखाई दे। त्वरण रहित का मतलब क्या हो जाएगा, उसका ए जीरो होना चाहिए, और ए जीरो होने का क्या मतलब हो जाएगा, उसका वेग कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति है, ठीक है ना, तो उस स्थिति में जो आप मेजरमेंट कर रहे हो, जहां से यानी जिस निर्देश तंत्र के सापेक्ष आप इस चीज को मेजर कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाएगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। तो आप परिभाषा क्या नोट करोगे कि यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, और उसके बावजूद यदि कण की स्थिति त्वरण रहित दिखाई दे, तो इस प्रकार का जो निर्देश तंत्र होता है वह आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अब इसको आगे और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अगर ए जीरो है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी जीरो होगा, और डी बाई डी जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी वेग नियत। तो इस प्रकार के निर्देश तंत्र जो होते हैं वो याद, उनके लिए वेग नियत होता है, और वेग नियत का मतलब क्या हो जाएगा, नियत वेग का मतलब होता है वेग शून्य भी हो सकता है या उसका कुछ मान हो सकता है, लेकिन जो भी मान होगा वो थ्रू आउट द इवेंट, यानी जब तक आप जिस समय पर भी जाओगे वो मान नहीं बदलेगा। आप चाहे टी इक्वल टू वन सेकंड पर बात करो, टू पर करो, 2.5 पर करो, कहीं पर करो, वेग नहीं बदलेगा। जीरो भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट में जीरो भी होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार के निर्देश तंत्र या तो स्थिर वेग से, या तो स्थिर होते हैं या नियत वेग से गति करते हैं। स्थिर होने का मतलब क्या हो जाएगा, उनका वेग जीरो, और नियत वेग के मतलब क्या हो जाएगा कि थ्रू आउट द इवेंट, यानी जब तक वो घटना चलेगी तब तक वो उसी वेग से गतिशील होंगे। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा, पहली परिभाषा तो ये हो जाएगी। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इस प्रकार के निर्देश तंत्र या तो स्थिर होते हैं या नियत वेग से गतिशील होते हैं। फिर एक तीसरा पॉइंट इसमें आप और लिख लीजिएगा कि इस प्रकार के निर्देश तंत्रों पर न्यूटन की गति के प्रथम तथा द्वितीय नियम वैध होते हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि प्रथम नियम आपका होता ही क्या है, जड़त्व का नियम है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता रखना है कि जड़त्व निर्देश तंत्रों पर न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियम दोनों वैध होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया जड़त्व निर्देश तंत्र के बारे में। अब अगर मैं बात करूं अजड़त्व निर्देश तंत्र की, तो बिल्कुल इसकी रिवर्स डेफिनेशन हो जाएगी। क्या होगी, कंडीशन वही है, कंडीशन नहीं बदलनी है। कंडीशन क्या है कि कण पर बाह्य बल कार्य ना करे, कंडीशन यही रहेगी कि यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, उसके बावजूद यदि कण की गति कैसी दिखाई दे, त्वरित दिखाई दे। यहां पर त्वरण रहित नहीं है, त्वरित है, एक्सीलरेटेड है, वहां नॉट एक्सीलरेटेड थी या एक्सीलरेटेड है, तो ए जीरो नहीं होगा। तो इस प्रकार का निर्देश तंत्र आपका क्या कहलाता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। और इस प्रकार के निर्देश तंत्र में आपके न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियम जो होते हैं वो वैध नहीं होते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये तो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, आप कोई भी आइडियल कंडीशन सोच करके इस चीज को समझा सकते हो, लेकिन इसको आप कैसे समझोगे, इसको तो आप इसलिए समझा सकते हो कि भाई ए जीरो है तो त्वरण रहित अपना आप हो ही गया, ठीक है ना, लेकिन इसको कैसे समझोगे। तो इसके लिए आप बहुत ध्यान से सुनिए, जैसे आपको पता है जो हमारी अर्थ है, ठीक है ना, पृथ्वी है,
वो किस प्रकार से घूर्णन करती है, एक तो वो क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, दूसरा वो स्वयं की अक्ष पर भी घूमती है, आपको पता होगा। तो उसकी गति कैसी होती है, देखो आप, जैसे सूर्य होगा तो ये इस तरह से घूमेगी, स्वयं भी घूम रही है अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है, ठीक है, इस प्रकार से इसकी गति होगी पृथ्वी की। तो पृथ्वी जब अपने स्वयं के अक्ष पर घूमेगी तो उसके कारण से क्या होगा, इस कण पर कोई बल नहीं लग रहा है, जैसे मान लो पृथ्वी पर कोई कण है, ठीक है ना, उस पर अभी कोई बल नहीं लग रहा है, वैसे अगर मैं एक सामान्य से कंडीशन लूँ तो उस पर बल नहीं लग रहा है, लेकिन चूंकि पृथ्वी घूम रही है तो घूमने के कारण पृथ्वी का क्या होगा, अपना एक घूर्णी त्वरण होगा, ठीक है ना, क्या होगा, घूर्णी त्वरण, रोटेशनल एक्सीलरेशन, घूर्णी त्वरण। तो ये देखो कोई बल नहीं है फिर भी क्या है, त्वरित गति होगी कण की, क्यों, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, घूमने के कारण उसका क्या होगा, घूर्णी त्वरण होगा, और वो जो कण है पृथ्वी पर स्थित वो इस त्वरण को महसूस करेगा बिना कोई कण पर बाह्य बल लगे, कण तो जैसा कि जैसा उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, उसके बावजूद भी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उस पर एक घूर्णी त्वरण लगता हुआ लगेगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, यानी पृथ्वी पर आप किसी भी घटना की, और हम जनरली फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा काम लेते हैं, पृथ्वी पर ही तो खड़े होकर के मेजरमेंट कर रहे हैं, तो जो आपका अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, पृथ्वी निर्देश तंत्र है, वो अजड़त्वीय होता है। लेकिन यहाँ एक चीज आप और नोट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो उसके कारण से जो त्वरण उत्पन्न होता है वो बहुत अत्यल्प होता है। अत्यल्प होने का मतलब क्या हो जाएगा कि वो उस तरह से उस कण को प्रभावित नहीं कर सकता। तो फिर वही बात हो गई, जब नहीं कर सकता तो उसके प्रभाव को हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान करके छोड़ सकते हैं, और जब आप उसके प्रभाव को ही नगण्य मान के छोड़ दोगे तो सिचुएशन सेम कैसी हो जाएगी, जड़त्व निर्देश तंत्र के समान ही हो जाएगी, अर्थात उस कण पर कोई बल त्वरण लगता हुआ प्रतीत नहीं होगा। तो वो क्या है, व्यवहारिक बात की हमने, क्योंकि घूर्णी त्वरण जो है बहुत अत्यल्प है, तो आप स्टेटमेंट क्या नोट करोगे कि सिद्धांतिक रूप से तो पृथ्वी पर स्थित जो निर्देश तंत्र होते हैं वो आपके अजड़त्वीय होते हैं, परंतु पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न त्वरण अत्यंत अल्प होने के कारण हम उसे नगण्य मान के छोड़ सकते हैं, अतः व्यवहारिक रूप में पृथ्वी पर स्थित निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र माना जा सकता है। तो ये था आपका पूरा डिस्क्रिप्शन जड़त्व निर्देश तंत्रों का और अजड़त्व निर्देश तंत्रों का, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है और बड़ा क्वेश्चन भी, दोनों की व्याख्या पूछ सकते हैं। मैं एक और हल्का सा रिकॉल कर देता हूं, ध्यान से सुनिए, जड़त्व निर्देश तंत्र क्या होगा, यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल ना लगे तो उस स्थिति में यदि कण की गति त्वरण रहित दिखाई दे तो ऐसा निर्देश तंत्र जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। चूंकि इसके लिए ए जीरो है तो डीवी बाई डीटी जीरो होगा, तो वी कॉन्स्टेंट होगा, अर्थात ऐसे निर्देश तंत्र या तो स्थिर होते हैं या नियत वेग से गतिशील होते हैं, और इन निर्देश तंत्रों के लिए न्यूटन गति के प्रथम और द्वितीय नियम वैध होते हैं। फिर हम बात करते हैं अजड़त्व निर्देश तंत्र की, तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट कि यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल ना लगे उसके बावजूद कण की गति कैसी दिखाई दे, त्वरित दिखाई दे, तो वो क्या कहलाता है, अजड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। इस निर्देश तंत्र के लिए न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियम वैध नहीं होते हैं। जो आपका अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो सैद्धांतिक रूप में तो अजड़त्वीय होता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि पृथ्वी जब आप स्वयं के अक्ष पर घूर्णन करती है तो उसके कारण से एक अत्यल्प त्वरण उत्पन्न होता है, परंतु वो त्वरण अत्यल्प है तो उसका उस पृथ्वी पर स्थित किसी कण पर उतना व्यापक प्रभाव नहीं होता, अतः उसके प्रभाव को हम नगण्य मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यवहारिक रूप में पृथ्वी पर स्थित जो निर्देश तंत्र होंगे वो आपके जड़त्व निर्देश तंत्र ही होंगे। तो ये हमने बात कर ली निर्देश तंत्रों के प्रकार की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, इन सब चीजों को आराम से नोट करते रहिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, ठीक है ना। कुछ डेफिनेशन में लिखता रहूंगा, लेकिन कुछ अगर डेफिनेशन में ना लिखूं तो आप आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए, जो मैं बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूं तो आप उसको आराम से सुन करके नोट कर सकते हो, और वैसे बुक मैं आपको बताऊंगा तो उस बुक में भी ये डेफिनेशंस लिखी होगी। लेकिन आप एक चीज याद रखिए, जब भी लेक्चर सुने तो साथ साथ नोट्स अवश्य बनाएं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए इस प्रकार का प्रयास किया गया है, तो आप इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई ना बरतें, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका है, तो आपके पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो आप उस प्लेटफॉर्म का अच्छे से यूज कीजिए। और वैसे मैं काफ़ी डेफिनेशन तो बोर्ड पर लिखने वाला हूँ, ठीक है ना, मुझे पता है कौन सी चीज़ें लिखनी है, तो हर चीज़ को मैं पूरा लिख करके ही करूँगा, आप बिल्कुल उस नोट्स के हिसाब से निश्चिंत रहें। अब अगला टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा रूपांतरण समीकरण या संबंध,
वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, रूपांतरण संबंध या समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या रिलेशन। अब ये क्या होता है आप ध्यान से सुनना और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कोई कण है आपका, यहाँ पर इसको मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, ये कोई निर्देश अंतर आपका S है, ये मूल बिंदु O है, तो ये क्या हो जाएगा R, तो ये हो गया आपका R कोमा T, ठीक है। इसको मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये R क्या है, उसका स्थिति सदिश है जो मुझे पता है। अब अगर मान लो मैं इसी कण को किसी निर्देश अंतर S डैश से देखना चाहूँ तो ये मेरे को क्या मिलेगा, आर डैश मिलेगा, लेकिन मुझे आर डैश पता नहीं लेकिन मुझे आर पता है। तो देखो अभी नाम से पता चल रहा है रूपांतरण, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कैसे हो रहा है कि यदि आपको किसी कण की स्थिति किसी एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो और उसी कण की स्थिति अगर आपको किसी अन्य निर्देश तंत्र में ज्ञात करनी हो तो आपको क्या चाहिए, कोई न कोई रिलेशन चाहिए। तो वो जो रिलेशन होगा वही आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाएगा। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, मैं पुनः एक बार बोल देता हूं कि यदि किसी घटना की व्याख्या अगर आपको दो अलग अलग निर्देश तंत्रों में करनी है और आपको एक निर्देश तंत्र में उसके स्थिति सदिश के बारे में पता हो तो वह संबंध या समीकरण जिसकी सहायता से आप उसी घटना को व्याख्या किसी अन्य निर्देश तंत्र के सापेक्ष कर सको तो वो आपका क्या कहलाता है, रूपांतरण संबंध या समीकरण कहलाता है। मैं एक बार इसको बता देता हूँ आपको, आप ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, मैं पूरा नोट ही कर दूंगा आपके लिए। तो बोर्ड पर मैंने रूपांतरण समीकरण की एक डेफिनेशन लिखी है, इसको आप आराम से नोट कर लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं वापस एक बार। मैंने क्या लिखा है, किसी घटना के लिए एक निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों तथा उसी घटना के लिए किसी अन्य निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाली जो समीकरणें होती है वो आपकी क्या कहलाती है, रूपांतरण समीकरण या संबंध कहलाती है। थोड़ी जटिल परिभाषा है लेकिन मैं इसको आपको डायग्राम से वापस बता देता हूँ। हमने क्या कहा कि कोई भी घटना है जैसे मान लो, तो उसको आप क्या करोगे, किसी एक निर्देश संदर्भ में उसके लिए प्रेक्षण लोगे। प्रेक्षण लेने का मतलब भी क्या है कि उसके लिए आप आर ज्ञात कर रहे हो, इनिशियल बात करें, और उसी घटना के लिए आप क्या कर रहे हो, एक अन्य निर्देश संदर्भ है उसके लिए आप क्या ज्ञात कर रहे हो, आर डैश ज्ञात कर रहे हो। तो इन दोनों के मध्य जो संबंध होगा वो संबंध क्या होगा, किसी न किसी समीकरण के रूप में आएगा। तो वो जो समीकरण होगी वही आपकी क्या कहलाती है, रूपांतरण समीकरण कहलाती है। अब ये पूरा डिटेल टॉपिक, अगला पूरी यूनिट आपकी इस पर चलेगी। तो हो क्या रहा है, घटना वही है, आप दो अलग अलग जगह से उसको देख रहे हो और किसी एक में अगर आपको उसके बारे में जानकारी प्राप्त है तो आप क्या करोगे, कुछ ऐसे संबंध या समीकरण प्राप्त करोगे जिसकी सहायता से आप अन्य निर्देश तंत्र, इसके सापेक्ष ज्ञात है तो इसके सापेक्ष ज्ञात कर लोगे और अगर इसके सापेक्ष ज्ञात है तो इसके सापेक्ष ज्ञात कर लोगे, किसकी सहायता से, कुछ समीकरणों या संबंधों की सहायता से। तो ये आपका क्या कहलाता है, रूपांतरण संबंध या समीकरण। अब हम दो प्रकार के रूपांतरण संबंध पढ़ेंगे, उसको भी आप थोड़ा नोट कर लीजिए, ठीक है। दो प्रकार के रूपांतरण संबंध हम लोग पढ़ने वाले हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा बड़ा सब प्रकार के क्वेश्चन इन रूपांतरण संबंधों से आने ही वाले हैं, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे गैलीलियन रूपांतरण और दूसरा पढ़ेंगे लॉरेंज रूपांतरण, ठीक है। अब ये दोनों रूपांतरण क्या है ये तो जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे तब आ जाएगा, अभी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गैलीलियन रूपांतरण। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चले ये दोनों रूपांतरण संबंध दर्शा क्या रहे हैं, आपके पास कोई दो निर्देश तंत्रों को एक एस होगा और एक एस डैश होगा और किसी भी घटना के बारे में अगर आपको एस के बाद एस में अगर उस घटना की जानकारी है तो आप ऐसे संबंध लाओगे तो आपको एस डैश के एस डैश में जानकारी मिल जाएगी और अगर आपको एस डैश में जानकारी है तो उस संबंधों से आप एस में जानकारी प्राप्त कर लोगे उस घटना के लिए। तो ये दोनों रूपांतरण समीकरण है। अब हम सबसे पहले जो रूपांतरण समीकरण लेंगे वो लेंगे गैलीलियन रूपांतरण, लेकिन उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ताकि आपके लेक्चर बढ़े ना हो। मेरा ये भी प्रयास है कि लेक्चर क्या हो थोड़े छोटे छोटे हो तो आपको बोरियत ना लगे, ठीक है। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। थैंक यू।